आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दलीलों पर विचार करने को कहा है। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। 21 जून को देश भर में योग दिवस मनाया गया। INS विक्रमादित्य पर नेवी के जवानों ने भी योग किया। इसके अलावा LSE के करीब पेंगोंग झील के किनारे ITBP के जवान योगासन करते नजर आए। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों के वोटर लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। ये काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रहा है। ऐसे में हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री अतिशी 21 जून से भूख हड़ताल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर एक बार इनकार कर दिया है। हालांकि री एग्जाम की मांग पर कोर्ट ने NTA से 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। MP झारखंड समेत 6 राज्य में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते कुछ दिनों से 23 से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी बारिश हुई। उज्जैन में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी के बाद बाइक का कलर चेंज करवाकर उसे बेच देते थे ताकि उससे कोई पहचान न ले। मध्य प्रदेश के दमोह में भगवान दास दहिया नाम के पुलिस कर्मी ने योग दिवस पर पानी में योग किया, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। मंडला में कुछ लोगों ने अंधविश्वास के चलते एक युवक को फांसी लगा दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर।